हाय, आई एम डॉक्टर स्नेहदेसाई। एक बार एक इंसान सिगरेट पीते हुए मंदिर की ओर जा रहा था। मंदिर में अंदर जाने से पहले बाहर ही उसने सिगरेट फेंक दिया और मंदिर में जब गए, अपने जो रीति रिवाज, जो रिचुअल्स थे, उसे पूरा किया, बाहर निकले और वापस आदत के मुताबिक सिगरेट लिया। अब एक सवाल, उन्होंने मंदिर में सिगरेट क्यों नहीं पिया? सिंपल जवाब है, आप भी जानते हैं कि भी हाँ, क्योंकि भगवान मंदिर में रहते हैं और मंदिर में हम कैसे सिगरेट पी सकते हैं अपने भगवान के सामने। अब इसका मतलब यह हुआ कि भगवान मंदिर नामक उस चार दीवार के अंदर है, बाहर कहीं पर भी नहीं है। वैसे तो हर एक धर्म और आध्यात्मिकता में हमने जाना तो सीखा कि भगवान हर जगह है, ही इज ओमनीप्रेजेंट, और इसीलिए अगर आप मंदिर में सिगरेट नहीं ले सकते हैं तो बाहर कैसे ले सकते हैं। लेकिन हमारा ये मानना कि हाँ भगवान सिर्फ मंदिर में है या मूर्ति में है, इसी के तो काफी सारे फायदे भी तो हम उठाते हैं। यू नो, एक बार हुआ कुछ ऐसा कि आपके घर पे एक डोरबेल बजा, आपने दरवाजा खोला, सूट बूट में एक इंसान खड़े थे और आपने पूछा भाई कौन हो? बोले कृष्ण। बोले कौन कृष्ण? बोले वही जिन्हें तुम सालों से याद करते थे, मेरी ही तो तुम पूजा करते थे, इतने सालों से तुम मुझे याद कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊं, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला, तुम मुझे देख सकते हो, तुम मुझे सुन सकते हो, कोई और ना देख सकता है ना सुन सकता है, और 24 घंटे हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अब लेट्स से कि आपके साथ ऐसा हो जाए कि 24 घंटे आपके भगवान आपके साथ है, आप अपनी जिंदगी कैसे जी पाएंगे? जरा सोचिए, क्या अब आपसे ये पॉसिबल होगा कि आप अपने दुकान पर जब कस्टमर आपके सामने है और आपके भगवान आपके साथ है, उस कस्टमर से आप ये कह पाएंगे कि आपको जितना सस्ता मैं देता हूं उतना सस्ता तो मैं किसी और को नहीं दे पाता हूं? जरा सोचिए, आप अपने डीलर के साथ जब बात कर रहे हैं तब क्या फोन पर यह कह पाएंगे कि भाई आप जिस दाम पर मुझे दे रहे हैं उस पर तो मुझे कुछ कमाने को ही नहीं मिल रहा है? या फिर कोई दिन आप घर पे लेट पहुंचे और आपके वाइफ जब दरवाजा खोलते हैं और आपसे पूछते हैं कि आप लेट क्यों आए, आपके भगवान आपके साथ हैं, जवाब दो लेट क्यों आए? मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपनी जिंदगी में भगवान को इसलिए मंदिर और मूर्ति तक सीमित रखते हैं क्योंकि अगर कोई दिन वो बाहर निकल जाए, हमारे साथ जीने लगे, हर पल हमारे साथ हो जाए, तो शायद हम गलत कभी भी नहीं कर पाएंगे, और इसलिए अपनी जिंदगी को आसान रखने के लिए हमने उन्हें सिर्फ मंदिर और मूर्ति और फोटोग्राफ तक सीमित रखा हुआ है। आप जिनके साथ कुछ गलत कर रहे हैं वो इंसान भूल सकते हैं, आप भूल सकते हैं, मगर वो कभी नहीं भूलने वाले हैं, और इसलिए मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि एक अच्छी जिंदगी जीना, सही तरीके से जीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है। हम पूजा पाठ करते हैं, यात्राएं करते हैं, हवन करवाते हैं, गरीबों में दान करते हैं और बहुत कुछ, मगर अगर आप भगवान को पाना चाहते हैं तो उसके एक सिंपल प्री रिक्वायरमेंट है। क्या आप कभी कोई गंदी कुर्सी पर बैठना चाहेंगे? क्या आप गंदे कपड़े पहनना चाहेंगे? क्या आप गंदी थाली में खाना खाना पसंद करेंगे? अगर इंसान होने के नाते हम गंदी कुर्सी पर बैठने को तैयार नहीं, गंदे कपड़े पहनने को तैयार नहीं, तो गंदी थाली में खाना खाने को तैयार नहीं, तो हमने कैसे सोच लिया कि भगवान कोई गंदे दिल तो दिमाग में बसेंगे? और इसलिए अगर कोई सबसे बड़ी प्री रिक्वायरमेंट है उन तक पहुंचने की और आप चाहते हैं कि वो हमेशा आपको साथ दे, तो बस इतना ही है, प्यूरिफाई योरसेल्फ।